नमस्कार मित्रों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे रीट 2020-21 से संबंधित लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए काम आने वाली टॉपिक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कठिनाइयों के प्रकार से। जी हाँ मित्रों, ये आपके यूनिट 4 का एक अधिगमकर्ताओं की समझ पर आधारित एक टॉपिक है, जहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा कठिनाइयों के प्रकार। और इसमें अक्सर जो विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये वास्तव में होता क्या है, तो आज बहुत आसानी से इसको समझेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, आज के बाद आपको इन टॉपिक्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी अपने बाल विकास में समझाने योग्य टॉपिक हैं, उन पर मैं वीडियो बनाकर लाता रहूँगा, यदि आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, बात करते हैं कठिनाइयों के प्रकार की। तो वास्तव में कठिनाई किस प्रकार की कठिनाइयों की बात हो रही है, कैसी कठिनाइयाँ? तो मित्रों, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि बच्चे को जो जो कठिनाइयाँ आती हैं, चाहे वो लिखने संबंधित, पढ़ने संबंधित या कैलकुलेशन करने संबंधित, या जो भी कठिनाइयों का सामना बच्चे को करना पड़ता है, उससे संबंधित ये कठिनाइयों के प्रकार की यहाँ पर बात हो रही है। तो मित्रों, एग्जाम में कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डिसग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है और डिस्प्रेक्सिया क्या है। तो मित्रों, आज इन चारों शब्दों को समझेंगे, कठिनाइयों के जो ये चार प्रकार हैं, इन चारों प्रकारों को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं डिसग्राफिया। ये डिसग्राफिया क्या होता है? तो मित्रों, डिसग्राफिया का मतलब होता है बच्चे को यदि किसी लेखन संबंधी समस्या आती है, यानी लिखने में अगर बच्चा समस्या महसूस करता है, यानी बच्चे को बार बार लिखाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और उसके बावजूद भी बच्चा लिख नहीं पा रहा है, तो इसे कहेंगे डिसग्राफिया। तो बहुत आसान मैं इसको ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डिसग्राफिया क्या है, लेखन संबंधी समस्या। तो देखिए, लेखन में हम बात करें तो इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे, लेखन में डिसग्राफिया में एक शब्द है ग्राफ। ग्राफ ग्राफ को हमको लिखना पड़ता है, तभी हमको समझ में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राफ जो है वो कॉपी पर पेन के द्वारा लिखा जाता है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, कोई भी ग्राफ तैयार करते हैं, तो वहाँ हमको लिखना पड़ता है कुछ भी, ठीक है? तो ग्राफ को लिखना ही पड़ता है, इसे हम समझ सकते हैं कि ग्राफ लिखकर ही समझ में आता है, ठीक है? अगली बात करते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया है वाचन और पठन संबंधी अगर कोई समस्या आती है तो उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। यानी बच्चे को पढ़ने में कोई समस्या आती है, बच्चा बार बार अटक अटक कर पढ़ रहा है, पढ़ने में काफ़ी समस्याएं बच्चे को हो रही हैं, तो उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, डिसलेक्सिया में एक शब्द है लेक्चरर। आप जानते हैं लेक्चरर, बोलना, ठीक है? ऐसे आप इसको याद रखते हैं, लेक्चर यानी बोलना, डिसलेक्सिया तो यहाँ पर लेक्चर शब्द है और इससे मतलब है बोलना, यानी बोलने में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे बोलेंगे डिसलेक्सिया, ठीक है? आगे हम बात करते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया की अगर बात करें मित्रों, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है गणना संबंधी कोई समस्या, यानी बच्चा गणना करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, बच्चे को गणना करना नहीं आता है, जोड़ घटाव गुणा भाग वगैरह जो है वो बच्चा करना नहीं जानता है, तो इसे बोलेंगे डिसकैलकुलिया। अब इसको याद करने का आसान सा तरीका है, कैलकुलिया डिसकैलकुलिया में शब्द है कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब ही क्या होता है? गणना, या इसको ऐसे कहें कि कैलकुलेटर पर हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। तो इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, अगली समस्या जो है वो है डिसप्रेक्सिया। डिसप्रेक्सिया का मतलब होता है मित्रों लेखन पठन और गणना संबंधी समस्या, अर्थात ये तीनों का मिक्स रूप है डिसप्रेक्सिया। इन तीनों का मिक्स रूप है डिसप्रेक्सिया, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। केवल ये तीनों को याद रख लोगे तो चौथा अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए, लेखन पठन और गणना संबंधी अगर किसी बच्चे में तीनों ही समस्याएं हैं तो उसे बोलेंगे डिसप्रेक्सिया, ठीक है मित्रों? तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आपको जिस भी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो उसे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसी पर आपको वीडियो लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के नेक्स्ट कठिन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।